माइक्रोमैक्स IN2B जो कि फाइनली इंडिया की तरफ से और एक मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है जो कि मेड इन इंडिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि मोबाइल आप लोग को बहुत ही कम दाम में अच्छा मोबाइल देखने को मिल जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8000 में, जो कि 4GB रैम के साथ आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ, जो कि सुपर फास्ट बैटरी चार्ज भी होता है, जो कि बहुत फास्ट है। चलिए इस वीडियो में आज हम इस मोबाइल के फुल रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ इस मोबाइल के फीचर्स के बारे में जानते हैं कि आप लोगों को इस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल बहुत अच्छा है, अगर आप लोग लेने को सोच रहे हो तो ये वीडियो को फुल वॉच कर लो, पूरी जानकारी हो जाएगी इस मोबाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल के रैम से स्टार्ट करते हैं। तो रैम आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 4GB का देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। और इंटरनल स्टोरेज की अब हम बात करते हैं तो वो आप लोग को 128GB का देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है, जो कि ठीक ठाक है। अगर आप लोग गेम वेम खेलोगे, पबजी, फ्री फायर, तो ये सब आपको आराम से सपोर्ट कर लेगा, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है स्लो टच का, या तो गेम नहीं चलने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसका ग्राफिक भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इसका लुक डिज़ाइन भी ठीक ठाक है। अब हम इस मोबाइल के बैक कैमरा के बारे में जान लेते हैं। तो बैक कैमरा आप लोग को ट्रिपल बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 13MP का मेन कैमरा होगा, साथ ही साथ 2MP का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा फोटो क्लिक करके देता है, साथ ही साथ HDR में भी फोटो क्लिक करके देता है, और LED फ्लैशलाइट भी होगा बैक में, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं, यानी कि सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा भी आप लोग को इस मोबाइल में जो कि बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि 8MP का होगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा फोटो क्लिक करके देता है, जो कि 4K वीडियो भी आप इस मोबाइल से शूट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा फीचर्स है। साथ ही साथ इस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो बैटरी आप लोग को इस मोबाइल में जो कि 5000mAh का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि टाइप सी सपोर्ट करता है चार्जिंग के समय में, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल के फास्ट चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना जल्दी फास्ट चार्ज करता है। तो ये आप लोग को 18W से फास्ट चार्ज करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, अच्छा खासा है, यानी कि मोबाइल बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज हो जाएगा, जो कि 100% सिर्फ और सिर्फ 1 hour 45 minutes में फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि अच्छा खासा है, जो कि बहुत ही फास्ट है। साथ ही साथ ये आप लोगों को मोबाइल जो कि 4G देखने को मिल जाता है, जो कि 4G मोबाइल है, जो कि बहुत अच्छा है, और 2 SIM 1 SD कार्ड आप इसके अंदर में घुसा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है, यानी कि डुअल सिम वाला ये फ़ोन है। अब हम इस मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर आप लोग को यूनिसॉक का देखने को मिल जाता है, जो कि यूनिसॉक 3610, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। वैसे तो इस प्रोसेसर के बारे में मुझे उतना नहीं पता, मैंने चाहा था कि गूगल सर्च किया तो उधर में दिखाया कि ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है, जो कि गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है। और अब हम इस मोबाइल की डिस्प्ले साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले साइज आप लोग को 6.5 inches का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो बहुत अच्छा है, यानी कि फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ देखने को हम मिल जाता है, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा, जो कि 8000 में 60Hz रिफ्रेश रेट, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस मोबाइल की स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो आप लोग को गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिल जाएगा, तो जो कि आपके मोबाइल को फुल प्रोटेक्ट करेगा, जो कि बहुत अच्छा ग्लास है। अब हम इस मोबाइल की फिंगरप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट भी आप लोग को इस मोबाइल में देखने को मिल जाता है, जो कि बैक में होगा, यानी कि बैक साइड में होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करता है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पीकर आपको बहुत ही लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही लाउड स्पीकर होगा, जो कि बहुत अच्छा है। और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो वो आप लोग को एंड्रॉयड 11 का देखने को मिल जाता है, जो कि फुल्ली अपडेट होगा, जो कि बहुत अच्छा है। और अब हम इसमें की वेट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस मोबाइल का कितना वेट होगा। तो वो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा वेट देखने को मिल जाता है, जो कि 188 ग्राम का, यानी कि मोबाइल का वेट बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो कि थिकनेस जो कि 8.9mm का, यानी कि मोबाइल बहुत ही पतला भी होगा। हाइट भी इसका ठीक ठाक है, जो कि 164.5mm का, यानी कि मोबाइल का हाइट भी बहुत अच्छा है। और वीट के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, तो वीट भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि 75.8mm का, यानी कि मोबाइल पतला है, लंबा है, और देखने में भी बहुत अच्छा है।
अब हम इस मोबाइल के कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मोबाइल में आपको तीन कलर देखने को मिल जाता है, जो कि तीनों ही कलर बहुत अच्छा है, जो कि ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, जो कि तीनों ही कलर बहुत अच्छा है। और अब हम इस मोबाइल की प्राइस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो प्राइस आप लोग को, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये आप लोग को मोबाइल सिर्फ और सिर्फ 8000 का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्राइस है, जो कि 4GB रैम के साथ 128GB, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8000 में, जो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग लेने को सोच रहे हो मोबाइल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप लोग चाहो तो उधर से भी ले सकते हो। तो चलिए अब हम आगे जान लेते कि अगर आप लोग खरीदोगे तो बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स में तो सबसे पहले आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंट कवर, साथ ही साथ एक पिन दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना सिम को निकाल या तो घुसा सकते हो, और एक चार्जर दे दिया जाएगा जो बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज करता है, और यूएसबी टाइप सी डाटा केबल दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस मोबाइल में आपको 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो ये सब आपको बॉक्स के अंदर में देखने को मिलेगा, और यही सभी इस मोबाइल का फीचर्स, फैसिलिटी और फुल रिव्यू। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्द से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।